कि उसकी स्थिति खराब है और अभी आने वाली बरसात है। अगर इस प्रकार से ये रोड रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक्सीडेंट जोन बहुत बड़ा बनने वाला है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6,000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। चूड़ी बाजार से और ये फवारा सर्किल जो एलिवेटेड रोड बना है दोनों साइड में, वो इतना क्षतिग्रस्त है कि जो मान लो प्रेगनेंट महिला है, गर्भवती महिला है, कोई महिलाओं के लिए तो बहुत ही क्षतिग्रस्त है। कल को उनको कोई जनानी होती है या महिलाओं को कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदार कौन लेगा? सबसे बड़ी बात तो और से ये रोड नजर आ रहा है नहीं, ये रोड ऐसा है कि जब से ही बनाया ना स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी तो बनना ही है, वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी उसमें जन लोगों के लिए भी तो सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा नहीं है। जिला प्रशासन ने खाली वो एलिवेटर रोड देखा है और स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, लेकिन जो जनहानि होने वाली है आने वाले समय में, बारिश का मौसम होगा तो बारिश के टाइम में यहाँ गड्ढे में पानी भरेगा, कोई जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और महिलाओं को कल को कोई एकदम से रात बिरात जरूरत पड़ती है, कहीं अपन लेके जाते हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा परेशानी है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ जिला प्रशासन को कि भाई इस और भी ध्यान दे, और अभी जो महीने दो महीने बाद बारिश का मौसम आने वाला है वो तो वैसे भी आ ही रहा है, तो उससे पहले ये जो सड़कों का निर्माण है यहाँ थोड़ा सही कर रहा है। महिलाओं जाम लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा, आप खुद देख रहे हैं ना कितने गड्ढे हो रहे हैं, और ये जो दो पहिया वाहन जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। आपका नाम? मेरा नाम है वर्षा कुमार। इस ब्रिज का काम शुरू हुआ है तब से इस ब्रिज के दोनों तरफ की जो कि अजमेर शहर का प्रमुख चौराहा है फवारा चौराहा, यहाँ के हालात बेहद ही खराब हैं, गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं दोनों तरफ, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कितनी बार जनता ने इसकी शिकायत प्रशासन को दी, नसिया के व्यवस्थापकों ने भी शिकायत दी, लेकिन इस तरफ कोई जनसुनवाई नहीं हो रही है। कई दिनों से बारिश के दिन आने वाले हैं, कितने वाहन रोज यहाँ गिरते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, अब कोई गर्भवती महिला कोई एम्बुलेंस यहाँ से निकले तो उनको भी कितनी पीड़ा होती होगी, इस तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ गोल्फ कोर्स बनाने में ध्यान दे रहे हैं, 7 अजूबे बनाने में ध्यान दे रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जबकि रोड पानी इन समस्याओं के लिए स्मार्ट सिटी का फंड आया था। तो इन अधिकारियों ने अपनी मिलीभगत से प्रशासन ने भ्रष्टाचार कर लिया और जो जो मूलभूत समस्याएं थी अजमेर शहर की उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी कलेक्टर आई है, वो भी उन्होंने दौरा किया है, लेकिन उन्होंने आते ही दौरा करा, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन वही कि वही जूं की चाल चल रहे हैं अधिकारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कलेक्टर की भी यहाँ पर मान नहीं रखा जा रहा है। किस तरह की जाम की हालत बन रहे हैं? बिल्कुल आपके सामने है स्थिति, पिछले 2-3 साल से स्थिति है, गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं, जाम ही जाम लग रहा है, गिरते हैं लोग बाग, जबकि शहर का प्रमुख मार्ग है, कैसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे जब आप गोल्फ कोर्स की बात करते हैं, आप 7 अजूबों को लाने की बात करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जब नहीं होंगी, सड़क पानी बिजली जैसी, तो फिर कहीं की स्मार्ट सिटी? क्या चाहते हैं आप? हमारी यही मांग है कि मूलभूत सुविधा जो सड़क पानी बिजली है इन तरफ ध्यान दें, नई कलेक्टर से हमें उम्मीद है वह जरूर इस तरफ ध्यान देंगे। देखिए ये एलिवेटेड रोड बना है, अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छा काम हुआ है, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए था, शहर की मांग थी, लेकिन पहली बात तो एलिवेटेड रोड थोड़ा गलत बना, दूसरी बात जब एलिवेटेड के दोनों साइड रोड बने हुए हैं, वो जब से एलिवेटेड रोड चालू हुआ जब से लेके उसकी स्थिति खराब है, और अभी आने वाली बरसात है, अगर इस प्रकार से ये रोड रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक्सीडेंट जोन बहुत बड़ा बनने वाला है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन। प्रशासन ने अगर इस तरह ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जोन बनेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब ये देखिए, जब से एलिवेटेड रोड बना था तब से लेके साइड की दोनों रोड है, ठेठ से जहाँ से स्टार्ट हुआ मार्टन ब्रिज से लेके यहाँ तक, वो रोड की स्थिति आज इतनी ख़राब है कि कई बार यहाँ से रिक्शे पलट चुके हैं, ऑटो रिक्शे पलट चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। इससे पूर्व कल माननीय जिला कलेक्टर से जब हमने मांग करी थी तो उन्होंने मिट्टी डलवा दी थी, लेकिन मिट्टी इस साइड आज नहीं है। मेरा ये प्रशासन से आपकी चैनल के माध्यम से मांग है कि दोनों साइड एलिवेटेड रोड के जो तीनों भुजाएँ हैं, इन तीनों भुजाओं पर रोड पूरी तरह से सही बनना चाहिए। हमको शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है, ना कि खड्डा सिटी बनाना। हमने जब इतना पैसा लगा के इसको बनाया है तो निश्चित रूप से दोनों साइड की सड़कें भी सुचारू रूप से बनाई जाए, ताकि रोड का जाम भी नहीं लगेगा और एक्सीडेंट भी नहीं होगा, और यहाँ से लोगों की जान की सुरक्षा हो सकेगी। बरसात में किस तरह से पानी भरेगा? बरसात में तो स्थिति बहुत खराब होगी, यहाँ पर आने वाले समय में
एक्सीडेंट के साथ साथ लोग स्लिप होंगे और उसमें स्लिप होने के बाद निश्चित रूप से उनकी हानि होगी, चोट लगेगी, तो वो फिर सबके लिए जिम्मेदार भी प्रशासन ही होगा। आपका नाम? गोपाल बंजारा।